हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। अब जब आप ये वीडियो देखेंगे तब दिवाली ख़त्म हो गई रहेगी, पर मैंने सोचा क्यों ना ये दिवाली एक ऐसी बाइक चलाए जो अफोर्डेबल भी हो, परफॉर्मेंस भी हो एंड इट शुड बी अ ग्रेट पैकेज। तो चलिए चलाते हैं हम एक बहुत ही एक्साइटिंग बाइक जो हमने क्विकली चलाई थी कुछ समय पहले और आज मैं इसे विस्तार में चलाने वाला हूँ। मेरा नाम है राचित थिरानी, आप देख रहे हैं MotorOctane। तो दोस्तों, आज जो बाइक हम चलाने वाले हैं वो है यामाहा R15 V3.0। ये 3.0 इसलिए क्योंकि ये थर्ड जनरेशन बाइक है। पिछली जनरेशन की बाइक हमें बहुत पसंद आई थी और थर्ड जनरेशन का हमने आपको एक क्विक रिव्यू पहुंचाया था। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट राइडिंग द बाइक। दोस्तों, यामाहा R15 V3 इज द थर्ड जनरेशन बाइक। ये 155cc इंजन सेम आता है इसमें एंड दिस कम्स विद क्लोज टू 19 bhp ऑफ पावर जो 10,000 rpm पे आता है। ये बाइक का परफॉर्मेंस इज फिनोमिनल और ये आप कोई भी 200cc से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये 19 bhp बनाता है जो बहुत ही बेहतरीन है। इस बाइक में आपको आता है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, फ्यूल इंजेक्शन आता है और आप अगर अच्छे से देखेंगे बाइक पे लिखा रहता है VVA which is variable valve actuation। ये 4-valve इंजन है और ये SOHC है which is single overhead camshaft। इस बाइक का रियल पावर 5000 rpm के बाद आता है एंड दिस इज इनडीड क्विक। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी बाइक अच्छी है इन 150cc तो ये बाइक बहुत ही बेहतरीन है, पर मैं इसे 150 से कंपेयर नहीं करूँगा। आई विल से गो एंड चेक आउट द बाइक। इसको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स आते हैं, हाउएवर इसको ABS नहीं मिलता है विच इज़ अ बिग सोर पॉइंट मेरे हिसाब से। चलाने में बहुत शानदार है और इसका सीटिंग पोजीशन बहुत ही एग्रेसिव है क्योंकि ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। और एक चीज़ लंबे लोगों को नहीं पसंद आएगी, वो है इसकी हाइट जो काफ़ी लो है और उन्हें बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे मुझे एडजस्ट होने में समय लग गया है। इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और इस बाइक की वेट क्लोज टू 140 किलोज है ओनली। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड इसकी डिसेंट है और हैंडलिंग इसकी फिनोमिनल है। टायर ग्रिप बहुत ही बढ़िया है और मेरे हिसाब से अगर आपको एक बहुत ही क्विक बाइक चाहिए विच इज़ अफोर्डेबल तो ये बाइक सबसे अव्वल आती है। अब दोस्तों, बाइक के चलाने की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कि ये बाइक दिखती कैसी है आखिर में। जब आप इसका फ्रंट एंड देखेंगे यहाँ आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही अग्रेसिव नोज दिया हुआ है इसको एंड इट जस्ट स्टैंड्स आउट इन द क्राउड। ओवरऑल ये R1 से इंस्पायर्ड लगती है एंड इफ़ यू लुक एट द फ्रंट एंड प्रॉपरली एक विंडशील्ड दिया हुआ है इसको। एट द सेम टाइम इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है विथ अ ह्यूमंगस डिस्क ब्रेक एट द फ्रंट। साइड से जब आप इसको नोटिस करेंगे तो देखेंगे इस पर बहुत सारी फेयरिंग है। फेयरिंग ऑफकोर्स प्लास्टिक या फाइबर की बनती है, इट्स नॉट मेटल एनी टाइम। और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, यहाँ पर हमें थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि जो इसकी फेयरिंग है स्पेशली ऑन द फ्यूल टैंक वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और वो पार्ट ईजिली निकल रहा था। साथ में आप नोटिस करेंगे कि बाइक पे काफ़ी जगहों से पेंट निकला हुआ है। सीट कंफर्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग ट्रिप्स पे तो नहीं जा सकते आप इस पे, लेकिन सीट पे जो कुशनिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है। सेकंड पैसेंजर बैठ सकता है पीछे, पर उसके लिए पीछे ज़्यादा होल्डिंग प्लेस नहीं है। टेप सीट है इसका एंड द बाइक लुक्स वेल प्रोपोर्शन। बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी प्यारा है एंड रियर से भी बाइक काफ़ी शार्प लगती है। तो मुझे लगता है ये R1 R6 का एक मिक्सचर है और पहले से ज़्यादा बड़ी लग रही है ये बाइक। इनफैक्ट पुरानी V2 से ज़्यादा पावरफुल है एंड मोर एजाइल टू। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आपको R15 लेनी चाहिए या नहीं। अब देखिए, अगर आप इसे नॉर्मल 150cc बाइक से कंपेयर करेंगे तो इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है वहाँ पर। अगर आप इसे 200cc से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे ये परफॉर्मेंस इक्वल है समवॉट। 19 bhp ब्रो, मतलब जो 200cc बाइक्स आती है उतना पावर दिया हुआ है इसमें ऑलमोस्ट। सो इस वजह से ये बहुत ही बढ़िया बाइक है, परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है। और अगर आप टूरिंग करते हैं
अगर आप कहीं दूर जाते हैं देन दिस बाइक इज नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि इसका जो सीटिंग पोजिशन है वो अनकम्फर्टेबल रहेगा आपके लिए लॉन्ग ट्रिप्स पे। तो इस वजह से अगर आप R15 लेना चाहते हैं फॉर योर डेली कम्यूट सिटी में, बहुत बढ़िया है। अगर आप हाईवे टूरिंग जाते हैं देन दिस बाइक इज नॉट मेंट फॉर यू। एक चीज़ अभी भी मिसिंग है इस बाइक में, वो है ABS। कंपनी कहीं पे भी ABS नहीं दे रही है इस बाइक में, बट मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट के लिए ABS शुड बी मैंडेटरी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। टेक केयर गाइस, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ।